एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से दीप एक्सप्लेनर में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्वीन ऑफ हार्ट्स के बारे में। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया कि एक माँ का उसके बेटे के साथ अफेयर हो जाता है और ये सब कैसे होता है, आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। गाइज, इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल दीप एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मूवी के शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एनी होता है और यह एक लॉयर भी होती है। एनी के हस्बैंड का नाम पीटर होता है और इनकी दो बेटियां भी हैं। असल में एनी पीटर की दूसरी वाइफ है क्योंकि उसकी पहली वाइफ से पीटर का डिवोर्स हो चुका है जिसका नाम रेबिका होता है। वैसे पीटर अब एनी के साथ काफी खुश रहता है। पीटर का एक बेटा भी हुआ था रेबिका से जिसका नाम गुस्ताख होता है। पीटर एक दिन अपने बेटे को अपने घर बुलाता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। भले ही रेबिका के साथ उसका डिवोर्स हो चुका हो लेकिन वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वहाँ उसकी मुलाकात एनी से होती है और उनकी दो बेटियों से होती है। उनकी बेटियां उन्हें कीचेन गिफ्ट करती है ताकि उसका मन लगा रहे। ये सब देखकर पीटर काफी खुश होता है। गुस्ताख यहाँ किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि अपने फादर से और अपनी स्टेप मॉम से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि गुस्ताख को ये लगता था कि एनी की वजह से उसके फादर पीटर ने उसकी मॉम को छोड़ा है। दूसरे दिन एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और वो गुस्ताख के बारे में अपनी बहन लीना को सब कुछ बताती है। लीना से जब मिलकर एनी घर आ रही होती है तो उसे वो की चैन पड़ी मिलती है जो उसकी दोनों बेटियों ने गुस्ताख को गिफ्ट किया था और एनी इस की चैन को अपने वॉलेट में संभाल कर रख लेती है। एनी जब घर आती है तो वो देखती है कि पीटर और गुस्ताख का झगड़ा चल रहा है। दरअसल गुस्ताख को इस घर में रहना पसंद नहीं था। वो इस घर में नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो अपनी मॉम डैड दोनों से गुस्सा था। पीटर गुस्ताख को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है और एनी उससे कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उसे हमें टाइम देना चाहिए थोड़ा घुल मिलकर रहने के लिए। कुछ दिन ऐसी बीत जाते हैं और एक दिन जब एनी अपने काम पर से अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर की खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए हैं। ये दरअसल में चोरी हुई है उसके घर। वो एक देखकर सब शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये सब किसने किया और क्यों किया। फिर एनी इस चोरी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। एक दिन जब एनी गुस्ताख के कपड़े धो रही होती है तो उसे उस पैंट में वही की चैन मिलता है जो उसे उसके घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था। गुस्ताख जैसे ही घर आता है एनी उसे वो की चैन दिखाकर उस चोरी के बारे में पूछती है। पहले तो गुस्ताख इन चोरी के बारे में इनकार करता है लेकिन जब एनी उस चोरी के बारे में बताती है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और धमकी देती है कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी तो गुस्ताख ये सुनकर डर जाता है और वो सब कुछ साफ साफ बता देता है। तो एनी कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को ना बताऊं तो तुम्हें एक डील करनी होगी, तुम्हें मेरी फैमिली के साथ घुल मिलकर रहना होगा। और गुस्ताख ऐसे ही करता है। ये सब कुछ देखकर पीटर बहुत खुश होता है और एनी भी खुश होती है। एक रात गुस्ताख अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को एनी से मिलवाता है। एनी से मिलने के बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। फिर दोनों अपने कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं और जब एनी को उनके कमरे से आती हुई आवाज़ सुनाई देती है तो एनी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और एनी जाती है अपने रूम में अपनी बॉडी को निहारती है। एक दिन एनी गुस्ताख और अपनी दोनों बेटियों के साथ स्विमिंग करने जाती है। यहाँ गुस्ताख अब इन लोगों के करीब आने लगा था, इनके साथ घुल मिलकर रहने लगा था। उसी रात एनी की गुस्ताख के साथ काफ़ी बातचीत होती है। एनी बताती है कि उसे उसका टैटू काफ़ी पसंद है। वो कहती है कि ऐसा टैटू मेरे हाथ पे ही बना दो। गुस्ताख उसके हाथ पे वैसा ही टैटू बना देता है। अब एक दिन पीटर अपने घर पर पार्टी रखता है जिसमें पीटर के काफ़ी सारे दोस्त आए होते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और वो काफ़ी खुश होता है। एनी यहाँ इन सब लोगों के साथ बोर हो जाती है। वो जाती है एक अकेले एकांत में बैठ जाती है। तभी वहाँ गुस्ताख आता है। गुस्ताख एनी के पास आता है, फिर दोनों बाहर चले जाते हैं और वहाँ दोनों जमकर ड्रिंक करते हैं। फिर अचानक एनी गुस्ताख को यहाँ किस कर लेती है और ये सब देखकर गुस्ताख काफ़ी डर जाता है। गुस्ताख एनी को कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एनी अपने दिमाग से गुस्ताख और उस रात को नहीं निकाल पाती। एक रात एनी को नींद नहीं आती, वो अपने कमरे से उठकर गुस्ताख के कमरे में चली जाती है और यहाँ अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों एकदम करीब आ जाते हैं। एनी और गुस्ताख अब इतने करीब आ गए थे कि अब ये हर दिन इंटीमेट होते थे। गुस्ताख को खुश रहते देखकर पीटर को अब लगने लगा था कि गुस्ताख अब उनकी फैमिली में घुल मिलने लगा है।
एक दिन गुस्ताख एनी से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है और उसे वो एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। अब एक दिन एनी की दोनों बेटियों की बर्थडे पार्टी होती है। दरअसल में ये बेटियां दोनों ट्विंस हैं। यहाँ गुस्ताख एनी को अकेला पाकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ एनी की बहन लीना उसे देख लेती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। एनी जब देखती है तो उसके पीछे दौड़ती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो नहीं रुकती, वो सीधा अपने घर चली जाती है। इन सब के बाद एनी अब काफ़ी टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहन लीना कहीं पीटर को सब कुछ ना बता दे। अब यहाँ एनी गुस्ताख को इग्नोर करने लगती है। फिर अचानक क्या होता है कि गुस्ताख पेड़ पर चढ़ जाता है। सब लोग उससे बोलते हैं कि नीचे उतर जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अचानक नीचे गिर जाता है। ये सब देखते ही वहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं और पीटर जब दौड़कर गुस्ताख के पास आता है तो गुस्ताख जोर जोर से हंसने लगता है और सब लोगों को बताता है कि बस ये सिर्फ एक प्रैंक था। ये सब देखकर पीटर को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्ताख को काफी सुना देता है। अगले दिन गुस्ताख और एनी एक अकेले जंगल में मिलते हैं। एनी यहाँ उसे बताती है कि वो उसके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहती है और ये दोनों अपना अफेयर ख़त्म कर लेते हैं। दरअसल में एनी को डर होता है कि उसके इस रिश्ते के बारे में सबको पता ना चल जाए। अगर सब लोगों को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। एनी वापस जब घर आती है तो देखती है कि गुस्ताख और पीटर दोनों बात कर रहे हैं। दरअसल में पीटर गुस्ताख से कैंपिंग के लिए पूछता है और वो कैंपिंग के लिए मान भी जाता है। दरअसल में पीटर उससे घुलना चाहता है, उसकी इच्छाएं जानना चाहता है। यहाँ गुस्ताख जब अंदर चला जाता है तो पीटर बताता है कि उसकी बहन लीना का उसे फ़ोन आया था, लेकिन वो समय पर नहीं उठा पाया। ये सब सुनकर एनी के होश उड़ जाते हैं। एनी को लगता है पीटर को सब कुछ बताने के लिए लीना ने उसे कॉल किया था। वो दौड़ी दौड़ी लीना के घर जाती है। एनी अपने बहन लीना से कहती है कि उसने गुस्ताख के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और वो पीटर को कुछ ना बताए। लेकिन लीना उससे बहुत गुस्सा थी और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। एनी लीना से अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डर भी जाती है। उसे लगता है कि अगर लीना ने कहीं पीटर को सब कुछ बता दिया तो उसके सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और पीटर उसे फिर कभी नहीं रखेगा। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक रात पीटर एनी से बात करता है और वो बताता है कि तुम्हारे और गुस्ताख के बीच के रिश्ते के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। ये बात दरअसल लीना ने नहीं बताया, ये बात गुस्ताख ने ही बताया पीटर को। एनी को लगता है गुस्ताख ने पीटर को सब कुछ बता दिया और एनी यहाँ कहती है कि गुस्ताख ने तुमसे झूठ बोला है, वो हमारा डिवोर्स करवाना चाहता है ताकि उसकी माँ रेबिका उसके साथ फिर से रह सके। और यहाँ पीटर कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सच है और कौन झूठ है। जब यहाँ पर एनी को लगता है कि पीटर उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा तो वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम भरोसा करो गुस्ताख पर। और वो ये भी बताती कि उस रात जब घर में चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि गुस्ताख ने की थी। ये सब सुनकर पीटर को थोड़ा भरोसा होने लग जाता है एनी पर, एनी की वो साइड लेने लग जाता है। यहाँ एनी पीटर के सामने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने में कामयाब हो जाती है। फिर एक दिन एनी गुस्ताख के कमरे में जाती है और उसका टैप रिकॉर्डर तोड़ देती है ताकि गुस्ताख कोई भी सबूत पीटर के सामने पेश ना कर पाए। फिर एक दिन पीटर इन दोनों को बुलाता है और बात करना चाहता है, लेकिन जब गुस्ताख को ये लगता है कि उसके फादर उस पर भरोसा नहीं कर रहे तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और जाते वक्त गुस्ताख एनी के मुंह पर थूक देता है और वो एक बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। गुस्ताख को गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन पीटर को गुस्ताख की बहुत याद आ रही है, वो उसे बहुत मिस कर रहा है। फिर यहाँ एक दिन गुस्ताख एनी को मिलता है और वो उसे बताता है कि अगर उसने पीटर को सब कुछ सच नहीं बताया तो वो उस पर सेक्सुअल अब्यूज़ का केस कर देगा। लेकिन यहाँ एनी उससे कहती है कि तुम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और तुम्हें पता है मैं एक वकील भी हूँ, तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब सुनकर गुस्ताख की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रिसमस आता है। यहाँ एनी अपनी दोनों बेटियों और पीटर के साथ मौजूद है। ये सब लोग काफ़ी खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एनी और पीटर जब दोनों सो रहे होते तो गुस्ताख आता है। वो एनी से मिलता है और कहता है कि उसके फादर पीटर से उसे मिलना है, लेकिन एनी उससे नहीं मिलने देती। वो काफ़ी जिद करता है लेकिन एनी उस पर चिल्लाती है, चीखती है। एनी गुस्ताख को पीटर से नहीं मिलने देती। गुस्ताख को ये सब देखकर बहुत रोना आता है। फिर एनी उसे उसी हालत में छोड़ के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन एनी अपने घर पर अपनी बर्थडे पार्टी रखती है
और इस पार्टी में लीना भी आई होती है। यहाँ सब लोग पार्टी का इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी पीटर को एक कॉल आती है जो कि रैबिका की होती है। रैबिका पीटर को बताती है कि गुस्ताख वो अपने स्कूल में नहीं है, वो क्रिसमस वाली रात से ही गायब है। लेकिन पीटर ये सब नज़रअंदाज कर देता है, उसे लगता है गुस्ताख फिर से कहीं प्रैंक कर रहा होगा। जब एनी को इस बारे में मालूम होता है तो काफ़ी टेंशन में हो जाती है, क्योंकि उस रात लास्ट टाइम गुस्ताख एनी को ही मिला था और अब गुस्ताख की खोज में पुलिस भी शामिल हो जाती है। ये सब देखकर एनी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। फिर एक रात पीटर जब घर आता है वो काफ़ी दुखी होता है। जब एनी उसे दुखी देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना क्यों दुखी हो। तब पीटर एनी को बताता है कि पुलिस को गुस्ताख की डेड बॉडी मिली है। दरअसल में गुस्ताख उस रात के बाद उस लोकेशन पर गया था जहाँ पर पीटर कैंपिंग करने जाता था। गुस्ताख पीटर का उस लोकेशन पर करीब 2 महीने तक इंतजार करता रहा। गुस्ताख सोच रहा था कि पीटर जब यहाँ कैंपिंग के लिए आएगा तो वो उससे ठीक से बात कर सकेगा, लेकिन उस लोकेशन पर इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ी थी और उसी ठंड के कारण गुस्ताख की मौत हो जाती है। और यहाँ जब पीटर रो रहा होता है तो एनी आती है और उसे सहानुभूति देने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एनी पर। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से वो गया है, तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से उसे घर से निकाला था। फिर अगले दिन ये सब लोग गुस्ताख के फ्यूनरल में जाते हैं और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको नई नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।